अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। तो आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम मैं वापस आ गई हूँ जी यूट्यूब पे। क्यों नहीं थी यूट्यूब पे, क्यों एक्टिव नहीं थी, वो डिटेल्स आपके साथ इंशाल्लाह वेरी सून शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ, ये पैकिंग है। ये मेरा घर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मेरा अपना घर है, लेकिन यहाँ से मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, जा रही हूँ दूसरे घर में, वो भी अपना ही घर है। तो यहाँ की शिफ्टिंग जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मैंने रात में पैक कर ली थी। कर्टन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर काफ़ी सामान मैंने पैक कर लिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। और आज ही हमने यहाँ से मूव होना है, शिफ्ट करना है। तो रात में मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम सामान जो है सुबह सुबह हमने इंशाल्लाह मूव कर जाना है। शाम का टाइम है, ये जितना सामान आपको नज़र आ रहा है ये मेरा रात में ही, मेरी कोशिश ये है कि नीचे वाले फ्लोर में मैं पहुँचा दूँ। और जो मेरा ड्राइंग रूम में सोफ़ा आपको नज़र आ रहा है वो, और जो ये बेड वगैरह लगा हुआ है, ये सामान मैंने नहीं लेके जाना है, ये मैंने सेल आउट कर देना है। और किचन भी काफ़ी हद तक जो है वो मैंने वाइंड अप कर दिया हुआ है। कुछ मेरे यूज़ के, ये देखें साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े छोड़े, इसमें मैंने जो मेरे यूज़ की चीज़ें नहीं थी वो सारी पैक कर दी हुई हैं। सिर्फ जो घर की यूज़ की चीज़ें थी वो रखी हुई, देखें कैबिन्स वगैरह खाली हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो सिर्फ घर की जो यूज़ की चीज़ें थी ना वो मैंने बाहर रखी, क्योंकि उनके बगैर फिर गुजारा नहीं होता। अब जैसे कल सुबह हमने जाना है ना, मैं इनको गाड़ी में लेकर जाऊंगी, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं ना किचन की, ये गाड़ी में जाएंगी। तो ये जो शोकेस आपको नज़र आ रहा है ये भी मैंने सेल आउट कर दिया है। ड्राइंग रूम का सोफ़ा सेल आउट कर दिया है, एक बेड था, ड्रेसिंग टेबल था, वो भी सेल आउट कर दिया। सेल करने की रीज़न मेजर यही थी कि जब शिफ्टिंग करते हैं ना उसमें सामान बहुत ख़राब होता है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ फैक्ट्री में नया फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए। ये जो आपको सामने डिज़ाइन नज़र आ रहा था पोशिश वाला, उसमें मैंने फर्नीचर नया ऑर्डर किया है। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी, कलर ये नहीं है, कलर मैंने कस्टमाइज़ लिया है। और मेरा जो प्लान था वो ये वाला सोफ़ा मैंने उठाना था, लेकिन इसमें मुझे मेरी मर्ज़ी का कलर नहीं मिला, तो फिर मैंने एल शेप सोफ़ा जो है वो वेलवेट पोशिश में जो है ऑर्डर कर दिया था। तो ये सोफ़ा है जो मैंने उधर पसंद किया था, लेकिन इसमें ना मुझे कलर नहीं मिला था जो मैं ऑर्डर करना चाह रही थी बेसिकली। तो फर्नीचर में मैंने जो ऑर्डर किया है वो बेड है, साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल और सोफ़ा। ये चीज़ें जो मैंने सेल आउट की थी ना, वो ये वाला डिज़ाइन जो आपको ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है और ऑफ वाइट में ना, ये डिज़ाइन मैंने बनाया मोटिव के साथ। और ये सोफ़ा मैंने ऑर्डर किया है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, सेम नेवी ब्लू कलर की पोशिश में यही सोफ़ा ऑर्डर किया है। और जिस सुबह, अगले दिन सुबह की ये टाइमिंग स्टार्ट हो गई है तकरीबन, उस टाइम की ये मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। ये तकरीबन जितने भी कार्टन्स वगैरह पैक हुए पड़े हुए हैं ये जा रहे हैं। बेड भी देखें खुल के जा चुका है, रात हमने जो है नीचे मैट्रेस पे गुजारी थी, बच्चे अभी भी सो रहे हैं। तेज़ धूप थी उस दिन और हमने 10 बजे तकरीबन 10-10:30 बजे वाले का ट्रक को टाइम दिया था। उससे पहले ये जितना सामान रह गया था हमने ये भी वाइंड अप करना था। सुबह सुबह मैं और उमर उठ गए थे, लेकिन इस तरह लग रहा था जैसे सारा सामान जो है ना वो अभी भी रहता है। सामान मेरा ऑलमोस्ट नीचे जा चुका है, जो मेजर कार्टन बड़े बड़े वाले थे और जो तोड़े वगैरह थे वो सारे नीचे जा चुके हैं। 9:45 बजे का टाइम हो चुका है, 10:30 बजे ट्रक वाले ने आ जाना है। स्पीड स्पीड से मैं और उमर काम कर रहे थे, बिकॉज हम अकेले सारी शिफ्टिंग कर रहे थे। 6 मिनट हो चुके हैं, उमर जो है वो लेबर लेने चले गए हैं और मैं ना ये वाला कर्टन पैक कर रही हूँ। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, सारी डालती जा रही हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि सारा सामान बाहर ही है। इवन दो आज मुझे जो है वो 5 दिन हो गए हैं पैकिंग करते हुए। फ्रिज मैंने रात को बंद कर दी थी और किचन में सिर्फ ये वाला सामान है जो मेरा डेली यूज़ का सामान था वो बाहर है, लेकिन ये भी अभी सारा पैक करना है। इधर भी अभी बर्तन मैंने कुछ रखे हुए थे और ये प्लेट्स भी पैक होनी है, इसके लिए भी मुझे एक कर्टन चाहिए होगा। इसके अलावा जो है वो किचन सारा वाइंड अप है, सिर्फ जो मेरे डेली यूज़ के मसाले वगैरह थे वो बाहर है। ऑलमोस्ट सारा किचन मैंने खाली कर दिया हुआ है, देखें सब खाली है। तो सारा सामान नीचे जा चुका है, सिर्फ मशीन बाहर है और ये सोफ़ा बाहर है। ये बेड भी खोल दिया हुआ है, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो बेल हुई थी, दूध वाला आया था, मैंने दूध लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नीचे सामान सारा भेज दिया। ये गैरेज है, यहाँ आ गया है, और ये नीचे वाला फ्लोर है, ये देखें। रात को सारा सामान
हमने लेबर लगा के ना नीचे वाले फ्लोर में भेज दिया था, ताकि सुबह जब ट्रक आए तो ऊपर से सामान ना उतारना पड़े। ये देखें सारा सामान यहाँ आ गया हुआ है, सिर्फ फर्नीचर जो है वो ऊपर रह गया मेरे पास, बाकी मैक्सिमम जो सामान है वो मैंने नीचे भेज दिया। अभी तक जो है ये देखें सारी चीज़ें ओपन है, इनको मैंने बंद करना है और ट्रक आने में सिर्फ आधा घंटा रह गया, 9:30 बजे का हमने ट्रक को टाइम दिया हुआ है। होप्स हो कि सारी चीज़ें इन टाइम हो जाए। इतना भाग दौड़ करने के बावजूद भी जो है वो चीज़ें रह जाती हैं, जब एंड टाइम आपके पास होता है तो आपको पता लग रहा था ये भी रह गया है, ये भी रह गया है, ये मेरा ड्राइंग रूम है नीचे वाला, ये वाला पोर्शन जो है ये पहले ही रेंट आउट था और अब ऊपर वाला पोर्शन जो है वो भी मैंने रेंट आउट कर दिया है। तो ये सामने बेडरूम है, ये किचन है, अगर मैं किचन दिखा सकती हुई तो मैं दिखा दूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको नीचे वाला फ्लोर दिखाती। ये पार्टीशन हुई हुई है, यहाँ से हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो अब जो है मैंने किचन वाइंड अप करना है, फ्रिज भी मैंने सुबह वाइंड अप की है सारी, क्योंकि पहले बंद कर नहीं सकते थे, चीज़ें ख़राब हो जानी थी। तो ना अभी मेरा ऊपर वाला डोर क्लोज हो गया है और मैंने ऊपर जाना था। शिट बना तो ले, आप लोगों की बनाई है, दोबारा रीटेक हो रहा है ये शॉपर, फट जाना अभी नीचे जाते जाते फट जाना ये। चलो ये सब उठाओ पापा, नीचे लेके जाना है ये बैग। क्या कर रहे हो? बोलो कहाँ चल गए? पकड़ो चल, फेंक दो मोबाइल, ऊपर आ जाओ, कितना गया क्या? हाँ जी आ जाओ। ट्रक अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा लोड हो चुका है, सारी पैकिंग हो चुकी है, गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं। LCDs वगैरह मैंने गाड़ी में रख ली थी और हम ट्रक के साथ साथ गए थे, बाकी अनलोडिंग और आगे घर की तैयारी, जिस तरह से मैंने घर को रेडी किया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। टिल देन जी अल्लाह हाफिज़। वाओ ये तो ओपन हो गया है। Oh, wow. Very nice. दिखाएं तो सही ना, अच्छे लगे? हाँ. अच्छा लगा मामा का गिफ्ट? वाओ अब इसमें से ए ढूंढ के देंगे मुझे? ए ढूंढ के दे, किधर ए? ये तो नहीं है, कहाँ है ये? दिखाएं, शो मी। नो ये ए तो नहीं है, ये तो नहीं है ए? ए ए फॉर एप्पल वाला, ए आ एप्पल, कहाँ है ये रहा? और बीबा बॉल किधर है? बीबा बॉल कहाँ है? बीबा बॉल ये रहा, बीबा बॉल। सीखा खप कहाँ है? सीखा खप, सीखा खप कहाँ है? ये रहा सीखा खप। और वेयर इज डीडा डक? वेयर इज डीडा डक? वेयर इज डीडा डक? ये रहा। लुक एट मी, हैप्पी? ओके, 2 3 स्टार्ट। व्हाट इज दिस? What is this? Two. No. A. A. B. C. D. E. F. H. G. G. Hmm. H. Hmm. I. Hmm. J. J. K. Hmm. A. No. L. L. Hmm. M. Hmm. O. N. N. Okay. Q. O. O. Okay. O के बाद? W. No. P. Hmm. What is this?
क्यू ओके आर जी ओके डब्ल्यू क्लैपिंग गुड बाय.